आप? नाचीज को रोहिल सज्जाद कहते हैं। आप सच में आ गए? जी, आपका ऑर्डर था। और कौन है इस दुनिया में जो आपकी बात टाल सकता है? जो इतने दिनों के बाद पाकिस्तान आया है उससे कुछ पूछ लो। मतलब आप कब आए? मैं थोड़ी देर पहले आया, सामान छोड़ा और सीधा यहाँ आया। तुमने पानी पूछा? तुमने कौन सा पूछा? घर वाले कहाँ हैं? अंदर है, चले अंदर चले। हाँ। सबसे मिलवा। अच्छा चले अंदर ही चले। मुझ में और आनिया में ज्यादा खूबसूरत कौन है? ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या फितूर चल रहा है ताकि मैं उसी हिसाब से फिर तुम्हें जवाब दूं। नानो बताए ना भाई, मुझसे नहीं दिए जाते ऐसे ऊट पटांग सवालों के जवाब। वैसे अगर अखलाक के लिहाज से देखा जाए तो आनिया का जवाब। और खूबसूरती में मेरा? हाँ, उसी वक्त तक जब तक तुम अपना मुंह न खोल। आप तो चाहती हैं कि मेरे मुंह पे सिलाई कर दी जाए। ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं हुई जो तुम्हारे होंठ सी सके। अरे आनिया और अहमद से ही कुछ सबक हासिल कर लो, कितनी फरमा बरदार बच्चियां हैं। बस कर दे नानो, आपने देखा नहीं है वो दोनों बकरियों की तरह सर हिलाते हुए गुलनाज नामी के इर्द गिर्द घूमती रहती है, फिर भी उनका मूड बुरा का बुरा ही रहता है हमेशा। अरे आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज भी तो फटे ढोल जैसी है, सुन लेंगे सब। जीते रहो बेटे, आओ जीते जीते। वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटे बोलो। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है क्या हुआ। गए क्यों? मुझे लगा था आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले। तुम्हारी बातों को अगर सीरियस ना लूं तो यहाँ सीढ़ियों पे बैठा होता। रोहिल हर बात को मजाक में नहीं उड़ाते। नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। लिसन, तुम्हें तुम्हारी बातों को तुम्हारी चीजों को मैं बाकी बहुत सीरियस लेता हूँ। इसीलिए आया। You know what? I missed you so much. अब तुम सीरियस नहीं ले रही हो मुझे? कम से कम आप ये बात मुझे मत कहे। इतनी परेशान थी मैं पिछले दिन। हमारी परेशानी की वजह से जल्दी आया, वरना जो डील चल रही थी ना उसमें शायद 3-4 महीने और लग जाते। अच्छा, और मैं जान ना निकाल देती आपकी? एक दफा जान निकालो। Oh my God, I'm sorry. मुझे नहीं पता था आप लोग इतने बिजी हैं। Sorry to disturb. नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं तो बातें कर रही थी। आईने में जाके शक्ल देखो, पता चल जाएगा कि ऐसी बात है या नहीं है। हटो हटो। What was that? इसे छोड़ें, आप थक गए होंगे ना, मैं चाय बना लूं। नो, बैठ जाओ मेरे पास, 5 मिनट बैठ जाओ, सारे घर वाले नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा बात करने का। इतना इंतजार कर रहा है मुझे। रोहे भाई जी, आप यहाँ बैठे हुए, चले ऊपर चले, मैं सबसे मिलवाती हूँ। हाँ ना, मैं तो आया इसलिए हूँ। चलो, मैंने कब मना किया? देखा, मुझे तो पता था कि अम्मा को कोई एतराज नहीं होगा इस प्रपोजल पे। आप खामखाई झिझक रहे थे। भाई इसमें एतराज होने वाली कौन सी बात है, बल्कि मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने मुंतहा को अपनी बच्चियों जैसा समझा। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेना। वो रहने दें, इतना अच्छा रिश्ता है
पढ़ाई की वजह से वो भी निकल जाएगा हाथ से। और वैसे भी अम्मा, मुंतहा के कौन से माँ बाप यहाँ बैठे हैं उसकी फिक्र करने के लिए। गुलनाज बिल्कुल सही कह रही है, अच्छा है मेरी जिंदगी में ही ये जिम्मेदारी निमट जाए। फिर कल शाम चाय पे बुलवा लूं उनको। अरे एकदम हथेली पे सरसों क्यों जमा रही हो, कुछ सोचने तो दो ना। अम्मा आप ही ने समझाएं, आनिया के साथ मुंतहा का फर्ज भी अदा हो जाएगा। अब मेरा भांजा तो बस पाकिस्तान आने ही वाला है। ठीक है बुला लो फिर, और क्या कर सकते, तुम तो इमरजेंसी नाफिस कर देती है। हाँ ठीक तो कह रही है गुलनाज, नेक काम में देर किस बात की, मेरे खासे बिस्मिल्लाह करो। क्या सरप्राइज? एमन कितनी दफा कहा है कि पहेलियां मत बुझवाया करो। रुहेला भाई अंदर आ जाएं। क्या रुहेला है? अरे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम खाला। तुमने बताया नहीं, अम्मा से मिलो ना। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो मेरे बेटा, जीते रहो। सब खैरियत है? हाँ अल्लाह का शुक्र है। और बताता कैसे, वो ऑब्वियसली धमकी ऐसी दी थी मैंने कि क्या मतलब कैसी धमकी? देखिए खाला इतनी देर से आया हूँ और चाय तक नहीं पूछ रही है। अरे तुम लोग ने कुछ, बेटा इन लड़कियों में अकल होती ना तो बात ही क्या थी। हद हो गई रोहेल भाई, आते ही कंप्लेन शुरू आपकी। एक तो खाली हाथ आए, अंधा बहनों के लिए दो चार गिफ्ट ही ले आता है। बुरी बात, क्या हो रहा है? नहीं 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 खाली हाथ नहीं आया, गाड़ी में सब सामान है। चाय पिला दो यार। आ, मिल जाएगी चाय? जाओ जल्दी से चाय लेके आओ। और सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? तुमने एक बात नोट की है? क्या? रोहेल भाई तो शुरू से ही हैंडसम थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में ना एक ग्रेस आ गई है। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। ये जो तुम अनजान बनने की एक्टिंग करती हो ना, सब समझ आता है मुझे। अच्छा भाई, मैं अनजान बनती हूँ और तुम्हें सब पता है। और ये जो तुम दिन दिहाड़े बड़ी बहन पे तशद्दुद कर रही हो ना, क्यामत के दिन सबका हिसाब होगा। अभी तो तुम जाके ना माद भाई और रूसा का हिसाब किताब करो, जिन्होंने अपने भाई के आने की न्यूज इतनी सीक्रेट रखी हुई थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ, मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ, उसके बाद इमाद के बच्चे के तो मैंने ऐसे कान खींचने हैं ना। और ये रूसा तो हमेशा, क्या हुआ? मुझे देख के तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो, बल्कि सब लोग ही चुप हो जाते हैं मुझे देख के। अरे नहीं मैं तो बस, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है अभी भी तुम लोग मुझे मेहमान ही समझ, है ना? ऐसा तुमसे किसने कहा मुंतहा? अगर ऐसी बात नहीं है तेरी ट्रे मुझे ले जाने दो, मुझे बुरा लगता है तुम लोग काम करते रहते हो और मैं बस यूजलेस बैठी रहती हूँ। तुम्हारा अपना ही घर है, ये लो मैंने चमचे रख दिए, पर ले जाओ। वापस आऊंगी ना तो बैठ के मेरा फेवरेट ड्रामा देखेंगे। ठीक है, मैं जब तक किचन साफ कर लेती हूँ। स्वीट है ना बेचारी,